हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है उसमें मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ अपने इस ओल्ड कर्टेन का। सो बेसिकली ये जो कर्टेन है ये है नेट के फैब्रिक का, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मेरे पास सेट ऑफ टू थे, 9 फिट का कर्टेन है जो कि अच्छा खासा फैब्रिक है लेंथ वाइज। सो इसकी स्टोरी ये है कि मैंने इसको वॉश किया बट ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से इसके जो रिंग्स हैं वो लोहे वाले थे और सारा स्टेन मेरे इस पर लग गया, स्पॉट लग गया। हार्डली कुछ ही जगह ऐसे बचे होंगे जहाँ पे स्पॉट ना लगे होंगे। आई थिंक आपको क्लियरली यहाँ विजिबल हो रहा होगा। बहुत टफ टास्क था मेरे लिए इसको रीयूज़ करना। ये थर्ड टाइम है जब मैं इसको फिर से निकाल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके साथ, बट मैं ऐसे इसको थ्रो नहीं कर सकती थी। सो फाइनली मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए, सो मैंने सोचा कि चलिए इसको करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूज़ के लिए यहाँ पे मैंने 3 पीसेज लिए हैं, साइजेस सबके सेम हैं। और यहाँ पे 2 पीस जो कर्टेन का लिया है उसमें एक में बहुत ज़्यादा स्टेन है जिसको कि ऐसा लाइनिंग यूज़ करेंगे, दूसरा ठीक है। सो सबसे पहले कॉटन में जो लाइनिंग है वो हमें अटैच करने हैं दोनों साइड से स्टिचिंग करके। स्टिचिंग हो जाने के बाद अब हम अटैच करेंगे जेब, जिसके इसमें दोनों पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। सीधे पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ हम लोग अटैच करेंगे। इसी तरीके से सेकंड पीस को भी हमें जो जिप है उसको अंदर की तरफ रखना है और इसको बस सिलाई कर देंगे, दोनों को अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं इसमें अटैच करूँगी वो पीस जो थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो इसको हमें दोनों सीधे साइड अंदर की तरफ करने हैं और ये है उल्टा साइड, और दोनों साइड से इसको भी हम जिप के साथ और फैब्रिक से अटैच कर देंगे। सो इस तरीके से अटैच हो गया है, अब इसको हम फ्लिप करेंगे तो हमें सीधा पोर्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें जिप को बाहर से भी एक अच्छी सी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करनी है ताकि हमारा ये पूरी तरीके से अटैच हो जाए, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा अच्छे से नहीं बैठ रहा था तो मैंने आयरन कर लिया और ये अच्छे से बैठ गया, स्टिचिंग भी हो गई। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है। सो यहाँ पे मैं अटैच करने वाली हूँ ये कॉटन की लेस डिटेलिंग के लिए, और जिप पोर्शन में भी मैं इस लेस को अटैच करने वाली हूँ। नेक्स्ट इस तरीके से फोल्ड करके हमें सेंटर पोर्शन लेना है और दोनों साइड से इसको स्टिच कर देना है। इसकी डिटेलिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए मैं इस तरीके से पाइपिंग अटैच कर रही हूँ जिससे कि थ्रेड्स ना निकलें। अब इसके चारों तरफ मैं कुछ इस मेजरमेंट का यहाँ पे मार्क करूँगी और इसको कट कर लूँगी। कटिंग के बाद इस तरीके से आप कॉर्नर्स को होल्ड करें और यहाँ पे स्टिचिंग करके इनको लॉक कर दें, और फिनिशिंग के लिए यहाँ पे भी आप पाइपिंग लगा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर दी है चारों साइड से अच्छे से, और इसमें पाइपिंग लगा के भी हम फिनिशिंग करेंगे। और इसको इस तरीके से सीधा करने के बाद हमारा एक बहुत ही प्यारा सा बैग रेडी हो गया। लेफ़्ट ओवर पीस में से अब मैंने बहुत देर तक ढूंढा कि कुछ ऐसा पोर्शन निकल आए कि एटलीस्ट मैं कुछ चीज़ को कवर करने के लिए बना सकूं, जैसे कि हमारे बॉक्सेस होते हैं या कोई इस टाइप का। तो इतना सा पीस निकला जिसमें कि हार्डली बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स थे, कॉर्नर्स में थे, जो कि स्टिचिंग में फोल्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो इस तरीके से इसकी डिटेलिंग के लिए मैंने लेस लिया है। लकीली मेरे पास ये लेस थी पहले से कि कलर बहुत अच्छे से गया इसके साथ, तो बस इसको मैं चारों तरफ से अटैच कर दूंगी। पहले फैब्रिक को फोल्ड करूंगी ताकि थ्रेड्स ना निकलें, फिर इस लेस को अटैच करूंगी। We'll be right back.
नेक्स्ट रियूज़ जो मैं करने वाली हूँ ये लास्ट रियूज़ है, और ये रियूज़ बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे अब बच गए थे वो ज़्यादा पीसेज जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा स्पॉट्स स्टेन्स थे। सो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि जितने भी सही सही पोर्शन है ना उनको एक कोशिश करती हूँ कि इक्वल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं पीस निकाल लूँ। सो रेयरली इक्वल मेजरमेंट के निकले, बट मैंने जब सबको साथ में रखा तो उसमें जो सबसे कॉमन था और जो मैक्सिमम फैब्रिक यूज़ करके मैं एक साइज़ बना सकती थी वो मैंने रेडी किया। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था बट मुझे ये करना था क्योंकि नेट का फैब्रिक होने की वजह से मैं कोई और रियूज़ इसके साथ नहीं कर सकती थी। बट अगर आप इस टाइम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता था तो अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करिएगा, मे बी कभी मैं उसको और भी फैब्रिक नेट फैब्रिक के साथ आपके साथ शेयर कर पाऊँ कुछ अपने आइडियाज़ जोड़ के। सो मैंने इस तरीके से यहाँ पर मैंने इन सबको लगा दूँगी और मैं ये जो मेरा 4 सीटर डाइनिंग टेबल है उसी के लिए मैं रनर बना रही हूँ, और ये मेरा कॉफ़ी टेबल में भी बहुत अच्छे से जाएगा। सो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस अटैच कर लिए और लेंथ वाइज यहाँ पे और अगर होता 2-3 पीस तो बहुत अच्छा होता, बट और कोई पीस मुझे नहीं मिल रहा था। सो अब मैंने यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट साइड से मेज़र करके कट कर लिया जिससे कि ये सब एक साइज़ का हो जाए। अब मैं इसमें अटैच करूँगी लाइनिंग। तो लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। तो इसको पिन अप करने के बाद अब हम इसको चारों साइड से सिलाई करेंगे ताकि आपस में अटैच हो जाए। नेक्स्ट मैंने अब इस तरीके से पाइपिंग रेडी किया है जो कि कॉटन का है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से पाइपिंग अगर आप लगाते हैं ना, ये भी बहुत इजी मेथड है, इसमें आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस पाइपिंग रेडी करने में टाइम लगता है। सो इस तरीके से आप फैब्रिक को सेंटर में रख दें और बस स्टिचिंग करें तो टॉप और बॉटम मतलब फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड स्टिचिंग होती हुई जाती है और आपके पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये इसकी फिनिशिंग कलर को वो कितना अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं स्टेन की बात करूँ तो वो जो मैंने बीच में सिलाइयाँ दी हैं उनमें वो सारे स्पॉट्स ढक चुके हैं, और फ्रंट और बैक दोनों साइड से आप इस रनर को यूज़ कर सकते हैं। नेट का फैब्रिक हैवी था जिसकी वजह से अच्छे से बैठ गया, उड़ नहीं रहा है और पाइपिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। सो ये था आज का रियूज़। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है इस फैब्रिक का, जिसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, कोई चांस ही नहीं था कि कुछ हो सकता था, उसका मैंने अपने लिए कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाई, उसकी खुशी मुझे सबसे ज़्यादा है। एटलीस्ट मैं कुछ तो यूज़ कर पाई थ्रो करने के बजाय। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।